नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन कम दाम मिलने पर बिफरे किसान, किया चक्का जाम। रायसेन के भोपाल मार्ग बस स्टैंड के पास किसानों ने किया चक्का जाम। धान के दाम कम होने पर जताई किसानों ने नाराजगी, प्रशासन ने दी समझाइश। रायसेन के भोपाल मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी में धान के दाम कम होने के चलते किसानों ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन समय रहते मंडी सचिव द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय न लेने के बाद किसान बिफर गए हैं और किसानों ने भोपाल मार्ग पर स्थित बस स्टैंड के पास चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर SDM मुकेश कुमार एवं थाना प्रभारी मनोज सिंह ने किसानों से चर्चा की एवं उनकी नाराजगी को दूर किए जाने के लिए प्रयास किए। प्रशासन की पहल पर किसानों ने चक्कर जाम खत्म कर दिया। किसानों ने बताया कि सुबह के समय मंडी में धान की नीलामी में धान के दाम 4,000 रुपए से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन दोपहर बाद गल्ला व्यापारियों द्वारा मनमानी करते हुए धान के दाम 2,200 रुपए से लेकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट, RAKEZJ। चक्का जाम क्यों करा आपने? सर, धान रेट से नहीं ले रहा है। कौन नहीं ले रहा? सेठ लोग, व्यापारी। क्या भाव ले रहे हैं? व्यापारी ले रहे हैं 2,000। अच्छा, और रेट क्या है? जिसका रेट था 4,500-4,600 रुपए रेट जा रहे थे। क्यों नहीं ले रहे हैं वो? सर, ये सब मौसम के कारण से नहीं, सभी व्यापारियों की मिली भगत है। अच्छा, आपने शिकायत की क्या? शिकायत है, खड़े ये अनाज कटती है, उसमें 15 किलो अनाज कम निकल रहा है। बोवे का गेहूँ लेने के लिए गए थे। अच्छा, मतलब व्यापारी कटती कर रहे हैं उसमें से? कटती कर रहे हैं। आप तुलवा लो। क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर सिंह बघेल। कौन से गांव के आप? क्या मामला क्या है? अभी सुबह की टाइम में 4,200-4,500 के बीच में धान चल रही थी, और जब ऐसे ही लंच के बाद हुआ तो 2,000-2,500 के बीच धान हो गई। अचानक एकदम 2,000 रेट कम हो गया। आप कौन से गांव से हो? करवादा गांव। क्या हो गया सर? सब धान 2,500 लेना, इसीलिए चक्का जाम कर दिया। हाँ, कहाँ से हो आप? करवादा।